एलईडी एलसीडी टीवी रिपेयर में आज बताएंगे दोस्तों पैनल रिपेयर। पैनल रिपेयर मेरा क्लास चल रहा है, आज बताएंगे पैनल रिपेयर में जो गेट लाइन होती है एसटीवी, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो एसटीवी सिग्नल होती है उससे क्या क्या फॉल्ट आ सकती है, अगर वो फॉल्ट होगा तो इमेज पर किस प्रकार से फॉल्ट दिखेगी। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा एसटीवी मिस होने पर गेट का पर क्या क्या फॉल्ट आ सकती है। इससे पहले थ्योरी मैं बना चुका हूँ, देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है गेट लाइन की पूरी सिग्नल क्या क्या होती है, कैसे काम करती है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जाकर देख सकते हैं। आज का जो मेरा क्लास है एसटीवी यानी एसटीवी फॉल्ट होने से क्या क्या इमेज पर फॉल्ट आ सकती है, और एसटीवी जो पैनल में यूज किया जाता है, चाहे नॉर्मल टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, क्यों यूज किया जाता है, एसटीवी सिग्नल क्या है, इसकी पूरी डिटेल आप लोगों को वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आप लोग ये वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो हमारी पैनल में एसटीवी होती है उसका उपयोग क्यों किया जाता है। देखिए अपनी स्क्रीन पर, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है एसटीवी का मतलब होता है वर्टिकल स्विंग पल्स, जो होती है यह स्टार्ट करने की काम करती है, जो गेट काप होती है इस गेट काप को स्टार्ट करने का काम एसटीवी का होता है, यह वर्टिकल स्विंग पल्स होती है। एसटीवी का मतलब होता है स्टार्ट करना, आपको सोर्स पीसीबी पर स्टार्ट लिखा हुआ दिखाई दे सकता है और जो ये गेट काप होगा गेट काप पर एसटीवी लिखा हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के हिसाब से अलग अलग नाम हो सकता है, चाहे एंड्रॉइड टीवी हो, चाहे स्मार्ट टीवी हो, चाहे नॉर्मल टीवी हो, कोई भी टीवी है एसटीवी के जगह पर कुछ भी नाम दे सकती है। सोर्स पीसीबी पर आपको स्टार्ट नाम लिखा हुआ दिखाई देगा, एसटीवी का टेस्ट प्वाइंट है जो गेट काप पर गया होता है। पैनल में एसटीवी यानी जो गेट काप को स्टार्ट करने का काम करता है, जो वर्टिकल स्विंग पल्स को स्टार्ट कराता है। मिस होता है, हो सकता है नो डिस्प्ले हो, ज्यादा केस में हो सकता है नो डिस्प्ले हो सकता है अगर टीवी हम स्टार्ट करते हैं तो पिक्चर बने, अचानक में हो सकता है नो डिस्प्ले हो जाए, या हो सकता है हॉरिजॉन्टल में जब आप टीवी ऑन करेंगे तो हॉरिजॉन्टल आकर वाइड जंपिंग करके हो सकता है नो डिस्प्ले हो जाए, प्रॉब्लम किसी भी प्रकार से क्रिएट हो सकती है। जो कंपनी पैनल बनाती है अपने अपने अनुसार सर्किट मैनेज की होती है, जो कंपनी फिक्स करती है, जब पैनल बनाती है जो कंपनी बनाती है सब कुछ फिक्स करती है, ए से जेड तक सब कुछ फिक्स होता है, उसके बाद ही पैनल का हर चीज रिलेटेड आपको पिक्चर देखने को मिलता है। एसटीवी अगर मिस होगा तो हमारी पिक्चर पर किसी भी प्रकार की फॉल्ट दिख सकती है, जो पैनल होती है पैनल में हमारी किसी भी प्रकार की फॉल्ट दिख सकती है, पिक्सल और रिजोल्यूशन के हिसाब से ही पिक्चर स्क्रीन पर दिखाई देती है, पिक्सल को ऑन ऑफ करके ही पिक्चर बनाई जाती है। सर्किट में बताए हैं इसमें तीन गेट काप है और तीन गेट काप का चित्र बनाए है, तीन टेस्ट प्वाइंट है, अगर आपको सोर्स पीसीबी पर तीन टेस्ट प्वाइंट दिखाई देता है एसटीवी लिखा हुआ, अगर तीन गेट काप है या हो सकता है चार गेट काप हो या हो सकता है चार टेस्ट प्वाइंट हो, कंपनी के हिसाब से अलग अलग सर्किट बनाई हो सकती है। अगर जितनी गेट काप है अगर उतनी टेस्ट प्वाइंट है, एक टेस्ट प्वाइंट पर से एक गेट काप पर जाए, एक टेस्ट प्वाइंट पर से एक गेट काप पर जाए, एक टेस्ट प्वाइंट पर से एक गेट काप पर जाए, इस प्रकार से सर्किट में आपको देखने को मिल सकती है, या हो सकता है एक टेस्ट प्वाइंट है, अगर एसटीवी का एक ही टेस्ट प्वाइंट है सोर्स पीसीबी पर, एक ही टेस्ट प्वाइंट पर से तीनों गेट काप पर जाएगा, यानी एक ही टेस्ट प्वाइंट पर से तीनों गेट काप पर जाएगा, या हो सकता है मान लीजिए अगर तीन टेस्ट प्वाइंट है एसटीवी 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 तीन टेस्ट प्वाइंट है तो हो सकता है तीनों गेट काप पर अलग अलग जाए, इस दोनों में ऊपर में हमारी जो एसटीवी है सिग्नल ओके है, नीचे वाले में ओके नहीं है, तो हो सकता है इस दो गेट काप में पिक्चर ओके बने लास्ट में पिक्चर न बने, यानी आपको सर्किट में देखना होता है। तीन टेस्ट प्वाइंट है तो 100 में से 100% अगर एक में मिस होगा तो दो का पिक्चर सही बनेगा, यानी जिसमें मिस होगा उस एरिया में पिक्चर ओके नहीं बनेगा, अगर एक टेस्ट प्वाइंट है और गेट काप तीन है तो हमारी पूरी पिक्चर में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी अगर एक टेस्ट प्वाइंट है अगर एक टेस्ट प्वाइंट से मिस होता है एक गेट काप में तो पिक्चर जो दो गेट काप होगी पिक्चर ओके होगी, एक में प्रॉब्लम दिखेगी, अगर एक टेस्ट प्वाइंट है और तीनों गेट काप एक ही टेस्ट प्वाइंट पर से गया है अगर इसमें प्रॉब्लम आता है यानी स्क्रीन में प्रॉब्लम आता है तो पूरी स्क्रीन में प्रॉब्लम आएगी। एसटीवी का मतलब होता है स्टार्ट करना यानी वर्टिकल स्विंग पल्स को स्टार्ट करना, या हो सकता है टीवी स्टार्ट करते ही नो डिस्प्ले हो जाए, या टीवी स्टार्ट करने पर देखने को मिले वर्टिकल रोलिंग कर सकता है, या हो सकता है टीवी स्टार्ट करने पर हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए, या हो सकता है टीवी स्टार्ट करने पर आपको देखने को मिले व्हाइट यानी हॉरिजॉन्टली व्हाइट में जंपिंग करे, यानी इस प्रकार की अगर फॉल्ट दिखता है तो हो सकता है गेट लाइन की एसटीवी की फॉल्ट हो, यानी एसटीवी मिस होने पर इस प्रकार की फॉल्ट होती है और भी सिग्नल मिस होने पर इसी प्रकार की फॉल्ट हो सकती है, इसीलिए किसी भी फॉल्ट को आपको रिपेयर करना है बिना ट्रेस किए आप रिपेयर नहीं कर सकते हैं, जो फॉल्ट इससे आएगा या फॉल्ट किसी
किसी और से भी क्रिएट हो सकता है। पैनल जो होती है रिजोल्यूशन और पिक्सल के हिसाब से ही सर्किट बनाई गई होती है और पिक्सल को ऑन ऑफ करके ही पिक्चर बनाई जाती है, इसीलिए किसी भी प्रकार की फाल्ट उत्पन्न हो सकती है। और पैनल की पूरी सॉफ्टवेयर जो होती है इप्रोम आईसी में होती है और इप्रोम आईसी के इशारा पर टिकोन आईसी काम करती है और टिकोन आईसी के इशारा पर ही पूरा सर्किट काम करती है। इप्रोम में जिस हिसाब से सॉफ्टवेयर होगी उस हिसाब से टिकोन आईसी को निर्देश दिया जाएगा और उस हिसाब से हमारी स्कैन ड्राइवर आईसी काम करेगी। जब स्कैन ड्राइवर आईसी काम करेगी तो उस हिसाब से स्कैन ड्राइवर आईसी गेट लाइन सिग्नल निकालेगी, उस हिसाब से हमारी गेट लाइन काम कर सकती है या हो सकता है पैनल के बनावट के हिसाब से टिकोन आईसी से ही देकर किसी भी तरीके से यानी सर्किट किसी भी तरीके से बनाई हो सकती है। आपको सर्किट देखना होगा यानी जो कंपनी होती है अपने अपने अनुसार सर्किट बनाई होती है। गेट का आपका हो सकता है एसटीबी लिखा हो और सोर्स पीसीबी पर स्टार्ट लिखा हो, इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है तो आप ट्रेस करके देख सकते हैं। मेरा हर चीज पर वीडियो बन चुका है, यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाकर देख सकते हैं।